देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बिना घूंघट के मतदान किया। ढक्कर वोट डालने जाते थे तो एकदम घुटन होती थी, बहुत बेकार लगता था। बहुत अच्छा लग रहा बिना, अच्छा लग रहा है घूंघट हटाकर। पहले घूंघट लेके आते थे तो कुछ दिखता भी नहीं था, इसलिए अब घूंघट हट गया है तो अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा सुझाव लिया है गहलोत साहब जी ने कि हम लोगों का घूंघट हटा दिया। आज राजस्थान में पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान हुआ। मतदान करने पहुंची महिलाओं के बयान प्रदेश के सीएम अशोक गहलोत के उस बयान पर हैं, जिसमें उन्हें प्रदेश से घूंघट प्रथा को खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सुनिए क्या कहा था सीएम अशोक गहलोत ने। उसके अंदर घूंघट प्रथा हटनी आवश्यक है, महिलाओं को घूंघट में कैद रखना उचित नहीं है। उससे महिलाओं का योगदान जो समाज को मिल सकता है उससे समाज वंचित रहता है, इसलिए आरक्षण किया गया महिलाओं के लिए राजीव गांधी के वक्त से ही। उसका फायदा मिला देश को, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, महिला थी, उन्होंने पूरे मुल्क का मान सम्मान बढ़ाया पूरे विश्व के अंदर। तो मैं समझता हूँ समय आ गया कि इसके लिए जन जागृति अभियान चलना चाहिए, परिवारों को संदेश करनी चाहिए। वो धीरे धीरे शिक्षा के साथ में वो घूंघट हट जाता है। जो महिला शिक्षित होती है वो कभी घूंघट नहीं निकालती है, और जो महिला अशिक्षित होती है वो घर के परिवार के रिवाजों को अपनाती है। तो मेरा मानना है कि एक तरफ तो आरक्षण मिला है महिलाओं को, पंचायत राज में भी, स्थानीय निकाय में भी, उसका फर्क पड़ा है। दूसरा, जो महिलाएं लड़के पढ़ती हैं लिखती है तो छते घूंघट हट जाता है। बाकी महिलाओं ने क्या कसूर किया, वो घर बैठी हुई है, पढ़े भी नहीं कर सकती है और वो घूंघट में कैद है। तो मेरा मानना है कि इसको संदेश के माध्यम से अभियान आगे बढ़ना चाहिए। वैसे तो सीएम के इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में कई विरोधी पार्टियों ने सीएम के बयान का विरोध जताया, मगर पंचायत चुनाव में एक बार फिर जब महिलाएं बाहर निकली तो राजस्थान तक की टीम ने सीधे उन्हीं से जानने की कोशिश की कि आखिर वो सीएम की इस मुहिम के पक्ष में है या नहीं। तो सुनिए क्या कहा उन महिलाओं ने। आपने मत का प्रयोग किया बिना घूंघट के, आप अपने वोट को डालने आई, कैसा महसूस कर रही है? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बिना घूंघट के मतदान किया। हमारी पंचायत समिति भी पूरा सपोर्ट करेगी, बेटियों बहुओं में उनमें कोई अंतर नहीं रहेगा। घूंघट में हम पूरा ढककर वोट डालने जाते थे तो एकदम घुटन होती थी, बहुत बेकार लगता था। अभी हम बहुत फ्री होके जा रहे हैं, एकदम अच्छा से सा रख कर और अच्छे, एकदम बहुत अच्छे से लग रहा है। फ्री एकदम घूंघट से बिल्कुल फ्री जा रहे हैं। हाँ, कैसा लग रहा है आप बिना घूंघट में, आपने वोट डाला? क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। आप? बहुत अच्छा लग रहा है बिना घूंघट के। पहले जब आप वोट डालनी आती थी तब कैसा लगता था? घुटन सी होती थी बहुत। अब बहुत अच्छा लग रहा है घूंघट हटा के, अच्छा लग रहा है घूंघट हटा के। पहले घूंघट लेके आते थे तो कुछ दिखता भी नहीं था, इसलिए अब घूंघट हट गया है तो अच्छा लग रहा है। आज आप बिना घूंघट के वोट डालना आए, आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है, और बहुत ही अच्छा सुझाव लिया है गहलोत साहब जी ने कि हम लोगों का घूंघट हटा दिया है। और वोट डालने के लिए हमें जो घूंघट हटा है इससे बहुत ही हमें सुविधा मिली है। इसे चुनाव चिन्ह अच्छी तरह से दिखाए और अच्छी तरह से हमने अपना वोट सही जगह डाला है। पंचायत चुनाव के दौरान कि महिलाएं जब अपना मतदान करने आए, वोट देने आए तो घूंघट में ना आए। हाँ, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बेटी और बहू में उसने कोई फर्क नहीं रखा, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पहले आप घूंघट में आती थी तो कैसा महसूस करती थी? ऐसे मतलब एक अजीब सा महसूस होता था, एक बेटी और बहू में फ़र्क माना जाता था, पर उन्होंने ये बहुत अच्छा किया, जो बेटी और बहू में से एक फ़र्क हटा दिया, सब एक जैसा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है कि हमें लड़कियों की तरह दर्जा दिया जा रहा है गांव में भी, तो ऐसे ही होना चाहिए मतदान। और वैसे भी लड़कियां इसी बहू या बेटियां हो इसी तरह से रहनी चाहिए, एकदम खुला, किसी प्रकार का फर्क नहीं होना चाहिए। अशोक गहलोत ने चुनाव से पहले कहा कि महिलाएं घूंघट प्रथा को खत्म करें, बाहर आए घूंघट से, आपको कैसा, आज बिना घूंघट के आप मतदान करने आई हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, अच्छा करा उन्होंने, करा जी अच्छा करा, हमारे लिए अच्छा करा है। हमारे सर ने जो करा है घूंघट के लिए वो बहुत अच्छा करा है हमारे लिए, और जो हम घर में रहती थी घूंघट में उसके लिए भी बहुत अच्छा करा है उन्होंने। पानी भरने जाती थी तो घूंघट में, खाना बना रही तो घूंघट में, लेकिन बहुत अच्छा करा है उन्होंने, मैं तो धन्यवाद देती हूँ उनको।
हमारे लिए भी बहुत अच्छा कराया घूंघट के लिए, पर अब नहीं हुई वो अच्छी बात है। महिलाओं का जो यहाँ पर बिना घूंघट में महिलाएं आई, उनका कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो घूंघट प्रथा को खत्म किया है वो बहुत अच्छा किया है। हम पहले घूंघट में यानी कि जो जीवन यापन करते थे उसमें एक तरह से अपने आप को घूंघट से बाहर नहीं निकालते थे, और अब महिलाओं का कहना है कि आज हम मतदान करने आए हैं बिना घूंघट के आए हैं, हमको काफ़ी अच्छा महसूस हो। आप देखते रहिए राजस्थान तक, हमारे चैनल राजस्थान तक को सब्सक्राइब करें। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।